रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के लिए अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर हैं। आज राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे, जहां से वो सीधे कालिदास मार्ग अपने आवास पर गए, जिसके बाद शाम तकरीबन 6 बजे सूर्य ऑडिटोरियम कैंट में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। वहीं आज के कार्यक्रम के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल भी कई तरह के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज के कार्यक्रम के अलावा कल और 6 सितंबर को उनके क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, इस बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। 5 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सूर्य कॉन्फ्रेंस हॉल कैंट में होने वाले ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो 5 सितंबर की शाम 5 बजे गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहे एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं अगले दिन यानी कि 6 सितंबर को सुबह तकरीबन 11 बजे बीजेपी की एक बैठक में राजनाथ सिंह हिस्सा लेंगे। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कैंट विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद वो फिर लखनऊ से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राजनाथ सिंह का ये दौरा लखनऊ में क्षेत्र विकास कार्यों की गति को तेज करने, स्थानीय मुद्दों को सुनने और उनका समाधान करने के मकसद से किया गया। इस यात्रा के दौरान वो कई महत्वपूर्ण आयोजन का हिस्सा बनने के साथ साथ स्थानीय नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के साथ अपने संसदीय क्षेत्र के विकास पर भी चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार 3री बार लखनऊ से सांसद चुने गए हैं और इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा को हराया। इसके साथ ही जीत के साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक विरासत को सुरक्षित रखा। 1991 में अटल जी के सांसद बनने के बाद से लगातार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बना हुआ है।